नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के ऊपर। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस और होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर और हेल्दी फूड के ऊपर। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज देखना पसंद है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके आगे एक बेल आइकन है, आप उसको क्लिक करके मेरे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि अभी मॉनसून चल रहा है और इस सीजन में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कॉमन कोल्ड, फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स होना काफी ज्यादा सामान्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उन वायरस बैक्टीरिया से लड़ रही होती है और इस लड़ाई के दौरान हमें फीवर हो जाता है। दोस्तों, वायरस की बहुत सारी वेराइटीज होती है, फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू फ्लू। वायरल फीवर में आपको फीवर हमेशा लो ग्रेड मिलेगा, वो कभी भी हाई नहीं जाएगा। लेकिन डेंगू जैसे वायरस की वजह से आपका फीवर हाई ग्रेड भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं वायरल फीवर के कुछ सिम्टम्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। बॉडी का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से लेके 103 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको चिल बहुत लगेगी, आपको ठंड बहुत लगेगी, ठंड लग के आपको बुखार आएगा। औरों के मुकाबले आपको काफी ज्यादा ठंड लगेगी। अगर बाकी के लोग एसी कूलर में भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपको पंखे के नीचे भी काफी ज्यादा ठंड का एहसास होगा। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। आपको नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस भी हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सर में दर्द भी रह सकता है। सर में दर्द आपको रहेगा यहाँ पे फ्रंटल रीजन में, माथे पर आपको काफी ज्यादा आपको भारीपन लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई आपका सर दबाता रहे या फिर आप खुद ही एक चुन्नी या फिर कोई दुपट्टा लेके अपने सर को बांध लेंगे, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट भी फील होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, आपको मस्कुलर वीकनेस बहुत लगेगी, मस्कुलर पेन, जॉइंट्स में पेन आपको काफी होगा। आपसे चला नहीं जाएगा, बिस्तर से उतरते ही आपको एडी का जो जॉइंट होता है उसमें काफी ज्यादा आपको पेन महसूस होगा। बॉडी एक बहुत ज्यादा होगा, आपको ऐसा लगेगा आपको कि किसी ने आपके जम के पिटाई करी है, इतना ज्यादा आपको पेन वहां पे फील हो सकता है आपको बॉडी में। कमजोरी आपको बहुत ज्यादा लगेगी, बिस्तर से आपको उठने का मन नहीं करेगा और कुछ भी काम आप नहीं कर पाएंगे। वायरल फीवर में आपको लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकती है, यानी कि आपको भूख ना लगे, आपको कुछ भी खाने का मन ना करे। ये भी एक सिम्टम होता है वायरल फीवर का। दोस्तों, जितने भी मैंने आपको अभी तक सिम्टम्स बताए हैं ये आपकी बॉडी में सिर्फ कुछ ही दिन रहेंगे और उसके बाद में के सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके स्प्रेड की, कि वायरल फीवर किस तरीके से होता है। वायरल फीवर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये वायरस छोटे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके उसके सेल्स में मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और आपको फीवर हो जाता है। फीवर होना ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है। दोस्तों, वैसे तो वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे तरीकों से फैलता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कॉमन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हेलेशन से वायरल फीवर फैलता है। इन्हेलेशन यानी कि अगर किसी ने आपके आसपास छींका है या खांसा है, उसके मुंह से निकले हुए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, वो कोई टेबल पे चले गए, कोई सरफेस पे चले गए या फिर आपकी बॉडी पे आ गए, फिर और उनको आपने इनहेल कर लिया, तो भी आपको ये वायरल फीवर हो सकता है उनसे। सबसे ज्यादा ये हमने देखा गया है कि ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे एक ग्रुप में खेलते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम इस बदलते मौसम में आए दिन बच्चों को होता ही रहता है। एक ने छींका, एक ने खांसा, उससे दूसरे को हो गया, उससे तीसरे को हो गया, तो इनहेलेशन सबसे बड़ा कारण है वायरल फीवर के फैलने का। उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इंजेशन, यानी कि खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजें भी दोस्तों कंटेमिनेटेड हो सकती हैं वायरल इन्फेक्शन से, और वो कंटेमिनेटेड खाना पीना अगर आपने भी खा लिया है तो फिर आपको भी वायरल फीवर हो सकता है।
दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी वायरल फीवर के बारे में, कुछ बताया कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका स्प्रेड किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको लेने से आपका वायरल फीवर केवल 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जलसीमियम की। जलसीमियम एक बहुत ही अच्छी दवाई है वायरल फीवर में देने के लिए, और जलसीमियम में वायरल फीवर के साथ साथ एक्सट्रीम वीकनेस लगती है। पेशेंट बिस्तर से उठ नहीं पाता है, उसको चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, उसको बस हमेशा नींद आती रहती है। जब भी वो आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि उसको चक्कर आ जाएंगे और वो गिर जाएगा, इस कदर पेशेंट को वीकनेस लगती है। जलसीमियम 30 की 2-2 बूंदें आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। आप इसको हर 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं अगर आपको फीवर ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि आपके 2 से 3 दिन में बुखार भी एकदम उतर जाएगा और आपकी वीकनेस भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों दूसरी दवाई है यूपिटोरियम परफोरेटम। यूपिटोरियम परफोरेटम हम तब देते हैं तब बॉडी एक बहुत ज्यादा हो, जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा हो वायरल फीवर के साथ साथ, बॉडी आपको ऐसा लगे कि अगर आपने कुछ मूवमेंट करा तो बॉडी बिल्कुल टूट जाएगी पीसेस में, इस कदर आपकी बॉडी में आपको स्टिफनेस मिलेगी। साथ ही साथ इसमें हेडेक बहुत ज्यादा होता है, आपको फीवर एकदम ठंड लग के चढ़ेगा। ऐसी कंडीशंस में आप यूपिटोरियम 30 ले सकते हैं, उसकी 2-2 बूंदें आप डायरेक्ट टंग पे डाल लीजिए। दिन में 4 से 5 बार आप इसको रिपीट करिए, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपका बुखार एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों तीसरी दवाई है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 हम तब देते हैं तब बुखार आपको एकदम ठंड लग के चढ़े, आपकी बॉडी एकदम कपकपाने लगे, आपको बॉडी एकदम शिवर करने लगे, ऐसी कंडीशंस में आप नक्स वोमिका 30 का यूज करें। चौथी दवाई है हमारी पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 हम तब देते हैं तो फीवर बहुत ज्यादा रहता है और आपको प्यास नहीं लगती, मुंह आपका ड्राई है, एकदम सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, हाई फीवर साथ ही साथ थर्सलेस, ऐसी कंडीशंस में आप पल्सेटिला 30 दें। पल्सेटिला 30 आप 2-2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका वायरल फीवर बहुत जल्दी ठीक हो गया है। दोस्तों पांचवी दवाई है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 हम तब देते हैं तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, आपको हाई ग्रेड फीवर हो और आपका फेस एकदम फीवर में लाल हो गया हो, आपकी बॉडी से काफी ज्यादा हीट निकल रही हो और वो हीट आपको भी महसूस हो रही हो कि आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हीट निकल रही है, ऐसी कंडीशंस में आप बेलेडोना 30 लें। आप देखेंगे कि आपका वायरल फीवर पूरी तरीके से ठीक हो गया है और बहुत जल्दी ठीक हो गया है। दोस्तों ये मैंने आपको बताई कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनको लेने से आपका वायरल फीवर 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इससे जल्दी भी ठीक हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर की जरूरत कब है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कब है। वायरल फीवर में अगर आपको नेक में स्टिफनेस बहुत ज्यादा लगे, आपको लगे कि आपकी नेक एकदम अकड़ गई है, कोई भी मूवमेंट करने में आपको काफी ज्यादा पेन लगे, आपका हेडेक बेटर ना हो रहा हो, सर का दर्द इतना ज्यादा हो कि आप कोई भी अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज भी ना कर पा रहे हो उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम में, तब आपका वॉमिटिंग और ये लूज मोशंस आपके स्टॉप ना हो और आपकी बॉडी से काफी ज्यादा वाटर लॉस हो गया हो, ऐसी कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ ही साथ आपको चेस्ट पेन फील हो या आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो और कमजोरी आपकी कम ना हो रही हो, ऐसी कंडीशंस में दोस्तों आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और अपने नजदीकी डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें, आप उनको जरूर जाके मिलें और आप उनको बताएं कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वायरल फीवर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे में एक बेल आइकन है जिसको प्रेस करके आप मेरे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।